हेलो फ्रेंड्स। सो पिछले वीडियो में हमने प्रोजेक्ट का डीटीओ क्लास हमने ऐड कर दिया था यहाँ पे, और हमने सारी फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर दी थी। तो जैसे कि अगर मैं आपको प्रोजेक्ट सर्विस दिखाऊँ, तो हमने यहाँ पे डाओ का रेफरेंस बनाया था, और यहाँ पे हमने फाइंड एम्प्लॉय बाय आईडी, लाइक फाइंड बाय एम्प्लॉय देन एम्प्लॉय आईडी। तो क्या होगा कि ये जो रेफरेंस है प्रोजेक्ट और एम्प्लॉय के बीच का, उसकी वजह से हमने ऐसा फंक्शन से यूज़ किया, लाइक एम्प्लॉय के अंदर की प्रॉपर्टी एम्प्लॉय आईडी से हमें फेच करना है, देन गेट वन एंड देन ऐड प्रोजेक्ट, और फिर डिलीट प्रोजेक्ट बाय आईडी, और गेट ऑल द प्रोजेक्ट लिस्ट। ठीक है, तो हम वन बाय वन सारे फीचर्स को रन करके देखेंगे। तो मैंने अभी क्या किया, मैंने एम्प्लॉय को भी ड्रॉप कर दिया और प्रोजेक्ट के टेबल को भी ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि ये फ्रेशली हमें फ्रेश नया स्टार्ट करना है, तो ये नया फ्रेश में कैसे काम करते हैं। तो कंसोल को हमें देखते रहना है, और आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे एम वी सी आर्किटेक्चर ही यूज़ किए हुए हैं, लाइक ये तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट ए पी आई मेन क्लास जो हमारा था, देन एम्प्लॉय कंट्रोलर, प्रोजेक्ट कंट्रोलर, देन उसके बाद हमने डाओ रेफरेंस बनाया डिफरेंट पैकेजेस में, डी टी ओ हमने बनाया डिफरेंट पैकेजेस में, और हमने फिर यहाँ पे सर्विसेज भी बनाए डिफरेंट पैकेजेस में। तो हमने एम वी सी का पूरा आर्किटेक्चर यहाँ पे फॉलो किया है, जहाँ पे सर्विसेज अलग अलग पैकेज में हैं, हमारे डी टी ओज जो पोजूस क्लासेस हैं हमारे अलग पैकेजेस में हैं, और जो हमारा डाव है वो हमारा अलग पैकेजेस में है, और कंट्रोलर भी हमने अलग पैकेज में रखा हुआ है। सो यहाँ पे हमने सारी फंक्शनैलिटी ऐड की हुई है, और हमने एप्लीकेशन प्रॉपर्टी भी यहाँ रिसोर्स वाले फोल्डर में ऐड किया हुआ है, जहाँ पे हम हमारे प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से मुँह से चेंज भी कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, तो मैं कंसोल को मैक्सिमाइज कर देता हूँ। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे उससे दो रिपोजिटरी फाइंड आउट हुई हैं, फाउंड टू रिपोजिटरी इंटरफेसेस। तो हमने यहाँ पे दो रिपोजिटरी बनाए हुए हैं, एक प्रोजेक्ट के लिए और एक हमने बनाया हुआ है एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, टॉमकैट स्टार्ट हो चुका है, आप आगे देखेंगे। यहाँ पे क्रिएट टेबल की क्वेरी भी आएगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने क्रिएट टेबल का क्वेरी रन किया पहले एम्प्लॉय के लिए। एम्प्लॉय का टेबल में उसने प्राइमरी की बनाया एम्प्लॉय आईडी को, देन एक दूसरा टेबल क्रिएट किया प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट आईडी नंबर, और फिर यहाँ पे नॉट नल, प्रोजेक्ट नंबर वारकेर, और प्रोजेक्ट नेम वारकेर, और फिर एम्प्लॉय आईडी नंबर। उसने ये देखेंगे तो आप एम्प्लॉय ईएमपी एम्प्लॉय देन अंडरस्कोर ईएमपी देन अंडरस्कोर आईडी, तो ये जो है ये इसका रेफरेंस होगा ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एम्प्लॉय अंडर स्कोर ई एम पी अंडर स्कोर आई डी है, और यही पार्ट यहाँ पे जो ई एम पी अंडर स्कोर आई डी बस है, और यहाँ पे इसने प्राइमरी की बना दिया प्रोजेक्ट आई डी को। ठीक है, और इसने एक फिर कंस्ट्रेंट बनाया फॉरेन की का, और जिसको उसने कहा कि ये एम्प्लॉय आई डी जो है प्रोजेक्ट में एम्प्लॉय आई डी जो है एम्प्लॉय देन अंडर स्कोर एम्प्लॉय आई डी, ये रेफरेंस होगा एम्प्लॉय वाला टेबल का, तो उसने फॉरेन की भी यहाँ पर रिलेट कर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं इस कोड को रन करूँगा पोस्टमैन से, और फिर अब हम देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो रिक्वेस्ट था हमने जो एम्प्लॉयज़ के लिए किया था वो था गेट रिक्वेस्ट, तो अभी कुछ भी नहीं आएगा, अभी सारा कुछ ब्लैंक ही आएगा यहाँ पे, तो ब्लैंक आया। अब मैं पोस्ट रिक्वेस्ट करता हूँ एम्प्लॉय के टेबल पे, पोस्ट रिक्वेस्ट, यहाँ पे बॉडी में हमें जाना पड़ेगा, और ऑलरेडी तो हमें एम्प्लॉय का आईडी नहीं चाहिए क्योंकि हमने ऑटो जनरेट किया हुआ है इसे। स्टेटस 200 ओके, और अगर आप कंसोल में देखेंगे तो उसने इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टेबल किया, और वहाँ पे उसने डिपार्टमेंट नेम एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय आईडी ऐड कर दिया। ठीक है, तो हम अभी एक और एम्प्लॉय ऐड कर देते हैं यहाँ पे, राघव, डीएसओएस, इसे भी सेंड कर देते हैं, और एक और मैं ऐड करूँगा सेम डिपार्टमेंट से,
यहाँ रीठा ऐड किया मैंने। अब मैं गेट रिक्वेस्ट फिर से हीट करता हूँ। और अब हमें यहाँ पे 3 एम्प्लॉय के डेटा मिलने चाहिए, जिसमें 2 के डिपार्टमेंट नेम सेम होंगे, DSOS ही होगा। ठीक है, तो DSOS 2 है, रिटा एंड राघव और रमेश PCF टीम से। देखेंगे तो ये 81, 82, 83 ये ऑटोमेटिक ऐड हो चुके हैं। अब हम प्रोजेक्ट्स ऐड करेंगे, तो पर्टिकुलरली हमें किसी एक एम्प्लॉय के ऊपर प्रोजेक्ट ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 82, तो ये जो सिंपल सा गेट रिक्वेस्ट या एम्प्लॉय बाय आईडी वाला जो फंक्शन हमने इम्प्लीमेंट किया था एम्प्लॉय सर्विसेज में और सॉरी एम्प्लॉय डाओ में, तो ये गेट एम्प्लॉय बाय आईडी है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये राघव DSOS। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स देखने हैं राघव के, तो मैं प्रोजेक्ट्स डालूँगा और फिर मैं यहाँ पे सेंड करूँगा। तो अभी राघव के पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो इसलिए वो ब्लैंक आएगा। ठीक है, तो अभी इसने कौन सा मैपिंग कॉल किया हुआ है मैं आपको बता दूँ तो फंक्शंस में, तो हम कंट्रोलर पे जाएंगे सीधा, प्रोजेक्ट कंट्रोलर पे। तो इसने यहाँ पे इस वाले मैपिंग को कॉल किया अभी। अब मैं पोस्ट मेथड वाली मैपिंग को कॉल करूँगा एक प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट डेटा इंसर्ट करने के लिए, उस पर्टिकुलरली एम्प्लॉय आईडी के लिए। ठीक है, तो हम उसे ऐड करते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट में। हमें क्या करना है यहाँ पे, इसे पोस्ट रिक्वेस्ट करना है। बॉडी में जाना होगा और यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट आईडी और प्रोजेक्ट नेम ही चाहिए बस। तो ये जो होता है लाइक जेसन में आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने पोजो क्लास में जाना है और पोजो क्लास में की वैल्यू पेयर, जैसे हमने जेसन में की वैल्यू पेयर हमने डिफाइन किया, तो की वैल्यू पेयर भी आपका सेम होगा जैसे आपके यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की नेम है, तो प्रोजेक्ट आईडी और प्रोजेक्ट नेम, तो सेम मैंने वहाँ पे भी यही चीज़ें लिखी हुई हैं कि तो यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी और प्रोजेक्ट नेम, और हम इसे अभी करेंगे सेंड। तो हमने प्रोजेक्ट ऐड किया स्टेटस 200। मैं एक और प्रोजेक्ट ऐड कर देता हूँ यहाँ पे सेम एम्प्लॉय के लिए 2, मैं यहाँ पे करता हूँ इसे क्लाउड। ठीक है, इसे सेंड करते हैं। ओके, हमने प्रोजेक्ट आईडी चेंज नहीं किया तो उसके ऊपर उसने ओवरराइट कर दिया होगा। ठीक है, तो सॉरी मैं प्रोजेक्ट आईडी चेंज कर देता हूँ यहाँ पे 3, और मैं यहाँ पे AWS करता हूँ वापस। तो अब 82 जो एम्प्लॉय है वो 2 प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, AWS और क्लाउड पे। तो हम अभी गेट रिक्वेस्ट से उसे फिर से देखेंगे, तो गेट रिक्वेस्ट। और इसे सेंड करते हैं।
82 एम्प्लॉय जो है वो दो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, राघव, देन अगेन राघव, ओके 101 था वो, ओके ओके दो आईडी वहाँ पे क्रिएट हो चुकी है मैंने, सॉरी 101 ही था वो। सो जो यहाँ पे अगर मैं सेंड करता हूँ लाइक 103 के लिए, अगर मैं 82 के सारे प्रोजेक्ट्स देखना चाहता हूँ तो मैं इस URI को हिट करूँगा और यहाँ पे हमें उसके जो भी 82 जितने प्रोजेक्ट पे काम करता है उन सब के डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो 101, 102, 103, ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड था, तो मैं 103 को अपडेट करूँगा, ठीक है, और ताकि वो यहाँ पे हमें नए नाम से दिखे, तो मैं 1003 को मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ और मैं बस स्पेसिफिक उस प्रोजेक्ट बाय आईडी के फंक्शन से मैं बस स्पेसिफिक उस प्रोजेक्ट को ही उठा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे कहूँगा यहाँ पे पुट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट, और हम यहाँ पे जाएंगे, हमें बस चाहिए प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट नेम, ठीक है, और हम यहाँ पे पुट रिक्वेस्ट के साथ उसे सेंड कर देंगे। तो 200, ओके। अब अगर मैं गेट रिक्वेस्ट प्रोजेक्ट्स एम्प्लॉय 82 के सारे प्रोजेक्ट्स के लिए गेट रिक्वेस्ट करता हूँ तो मुझे जो वो 1003 है वो अपडेटेड मिलना चाहिए। तो 1003 पेमेंट्स में अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शनैलिटी थी। अब मैं क्या करूँगा कि ये तो हो गया लाइक एक एम्प्लॉय मल्टीपल प्रोजेक्ट पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो फिर ये एक फीचर्स हो गया और हमने एक और चीज़ें ऐड की थी, लाइक हमने एक बार ऐड किया था जहाँ पे हम बस प्रोजेक्ट्स ही देख रहे थे, लाइक गेट ऑल द प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी लाइक जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे, चाहे वो 81 के लिए हो चाहे 83 के लिए, जो भी एम्प्लॉय हो सब सारे के सारे प्रोजेक्ट लिस्ट हमें यहाँ पे मिलेंगी। तो अभी तो हमने बस 3 ही प्रोजेक्ट ऐड किए, वो भी सेम एम्प्लॉय के लिए, तो इसलिए बस उसी के लिए राघव के लिए ही आ रहा है। हम मल्टीपल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और हमें फिर यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। तो आगे की फंक्शनलिटी आप इम्प्लीमेंट कर लीजिए और या इस वीडियो के साथ हम अपनी पूरी सीरीज को ख़त्म कर रहे हैं, समाप्त करने जा रहे हैं। और आपको लाइक अगर कोई डाउट हो या फिर कोई भी यहाँ पे दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए और हाँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।